छतरपुर जिला मुख्यालय पर ललोनी तिराहे के समीप मंगलवार को न्यायालय के न्यायाधीशों ने मोबाइल कोर्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान यातायात सहित सिविल लाइन थाने का पुलिस बल मौजूद रहा। यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह गुर्जर एवं अनुराग सिंह सुमन के द्वारा ललोनी तिराहे पर सुबह 11 बजे मोबाइल कोर्ट लगाई गई। इस दौरान यहां से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों को चेक किया गया। उन्होंने बताया कि यहां पर लगभग 500 वाहनों की चेकिंग कराई गई। आज माननीय न्यायाधीश महोदय जी द्वारा यहां पर मोबाइल कोर्ट लगाया गया है। यह मोबाइल कोर्ट 11 बजे शुरू हुई है, अभी लगातार कार्रवाई जारी है। लगभग 500 से ज्यादा वाहनों को चेक किया गया, करीब 200 से ज्यादा वाहनों पर चालानी कार्रवाई न्यायालय द्वारा की गई है और अभी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी आकाशवाणी में भी न्यायालय कोर्ट बैठेगी, मोबाइल कोर्ट, वहां भी वाहनों की चेकिंग की जाएगी। क्या क्या वाहनों का चेक किया जा रहा है? वाहनों में समस्त प्रकार के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। बसों की कार्रवाई हुई आज, ओवरलोड जो बसें चल रही थी उन पे भी कार्रवाई की गई, उनके परमिट चेक किए गए और इस तरीके के जितने वाहन जिनमें भी किसी प्रकार के दस्तावेजों की कमी है, दस्तावेज न पाए जाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्लस ऊटर, अनाधिकृत ऊटर वगैरह जो लगा के घूम रहे उन पे भी कार्रवाई की गई है। राजनीतिक वाहनों, अधिकारियों की वाहन भी चेक, सभी प्रकार के वाहन रोके जा रहे हैं न्यायालय द्वारा और कार्रवाई की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान कई वीआईपी को रोककर उनके वाहनों की जांच भी करी गई और उनके विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई हुई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र शशिकांत अग्निहोत्री के वाहन की जांच भी कराई गई और उनके वाहन में लगाई गई नेम प्लेट और हूटर को हटवाया गया।